आज आपकी मुलाकात कोटली आज़ाद कश्मीर के एक ऐसे बासलाहियत नौजवान से कराते हैं जो मुसव्वरी और खताती के फ़न में ऐसी महारत रखता है कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं। मोहम्मद नदीम मुख्तलिफ अशिया पर पेंटिंग के ज़रिए अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करता है। इस नौजवान से मिलवा रहे हैं सरदार गुलाम मुर्तज़ा अपनी इस रिपोर्ट। ग्राफी और पेंटिंग के ये शाहकार किसी उम्र रसीदा फनकार की काविश नहीं, बल्कि ये कमाल दिखाया है आज़ाद कश्मीर के नौजवान मोहम्मद नदीम ने, जो कम सिनी में ही बड़े शौक और महारत से मुसव्वरी और खताती करता है। तराड़खल के मोहम्मद नदीम ने बचपन ही से खताती सीखी और अपने घर पर ही काम करता है। बचपन में कॉपियों पर नक्श बनाने से शुरू होने वाला शौक बढ़ता गया और आज वो मुख्तलिफ कपड़ों, शीट्स और दीवारों के साथ साथ कीमती अशिया पर भी पेंटिंग करता है। ये पेंटिंग मेरा शौक था तो उसी से शुरू की थी। हमारा आज़ाद कश्मीर का माहौल है कि दरख्त काफ़ी सारे काटे जा रहे हैं, दियार के दरख्त नहीं हैं, तो वो चीज़ें मतलब दियार के दरख्त बनाना, बर्फानी पहाड़, आबशार, पानी वगैरह, तो इस पे मैं पेंटिंग करता हूँ। मोहम्मद नदीम माहौलियाती तब्दीलियों के बायस मादूम होती अशिया की अक्कासी करता है, जिनमें मुख्तलिफ अकसाम के दरख्त और सरसब्ज पहाड़ शामिल हैं। इस तरह वो हुकाम बाला को भी इस अहम मसले की जानिब मुतवज्जे करता है कि वो इन अशिया की हिफाजत करें। हुकूमत इस पे तवज्जो दे तो एक तो मुल्क और कौम का नाम रोशन होगा और काफ़ी आगे तक जा सकते हैं। काफ़ी टैलेंटेड लोग हैं यहाँ आज़ाद कश्मीर में, लेकिन यहाँ पर ना तो इस तरह के कॉलेज हैं ना कोई यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे ये प्रॉपर सिखाया जाए। पेंटिंग से मोहम्मद नदीम अपना खर्च भी पूरा नहीं कर सकता, इसके बावजूद वो अपने काम से मायूस नहीं और हालात बेहतर होने के लिए पुरउम्मीद है। मोहम्मद नदीम ने हुकूमत से अपील की है कि अगर उसे मौका फराहम किया जाए तो वो मुल्क और कौम का नाम रोशन कर सकता है। मोहम्मद नदीम के हाथों से तैयार करदा खूबसूरत पेंटिंग ये जाहिर कर रही है कि आज़ाद कश्मीर में टैलेंट की कमी नहीं। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ऐसे नौजवानों की सरपरस्ती करे तो इनके टैलेंट को मजीद निखार आ सकता है। कैमरामैन सदीर खान के